बनासकांठा रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण को निर्णायक बढ़त का दावा किया, कहा इस बार टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। पहला चरण में जहां मतदान थयू छे भूतकाळना बधा रेकॉर्ड तोड़ीने भारतीय जनता पार्टी विजयी बनवाई छे। बनासकांठा में दिखा पीएम मोदी के भक्ति का रंग, ओगरनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैराथन प्रचार है, चार जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम, अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर में भी दर्शन पूजन। गुजरात में आज गृहमंत्री अमित शाह का भी धुआंधार चुनावी प्रचार, मेहसाणा में दो और अहमदाबाद में एक। एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, अरविंद केजरीवाल ने चला योग क्लास वाला कार्ड, योग टीचर्स को सैलरी देंगे। योग नहीं बंद होने देंगे, चाहे सरकार से पैसा आए नहीं आए। तो दिल्ली के लोगों ने, फिर हम सब लोगों ने तय किया कि यार योग नहीं बंद होने देंगे, चाहे सरकार से पैसा आए नहीं आए। एमसीडी चुनाव में आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी एक्शन में, नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम। सत्येंद्र जैन मामले में घिरी आम आदमी पार्टी, जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आए कई हैरान करने वाले खुलासे, जेल में लगता था जैन का दरबार। वही भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी करके सत्येंद्र जैन को घेरा है, लिखा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तिहार टूरिज्म। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिया खुला ऑफर, 100 विधायक तोड़कर लाओ, 100 मेरे लो और बनाओ सरकार, बन जाओ मुख्यमंत्री। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश के ऑफर पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहा अपने विधायकों को बचाने की कोशिश करें अखिलेश। वो अपनी समाजवादी पार्टी समझते हैं, जो इसमें टूट फूट कोई विचारधारा नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं। हमारे यहाँ एक विचारधारा के आधार पर हम काम करते हैं, सत्ता के लिए, पद के लिए नहीं। अखिलेश के बयान पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा डीरेल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से डीरेल्ड हो चुके हैं, अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अखिलेश पर उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने बोला हमला, बयान को बताया सड़क छाप। रामपुर में अखिलेश के स्वागत के दौरान मंच पर छलका आजम खान का दर्द, पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिखा गुस्सा। सीओ साहब जिंदाबाद, पुलिस वालों जिंदाबाद, तुम्हारे झंडे जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी का सरेंडर, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। दिल्ली का जेएनयू कैंपस एक बार फिर विवादों में घिरा, दीवारों पर विवादित नारे और स्लोगन्स नजर आए। जेएनयू में क्लासरूम के बाहर दीवारों पर और फैकल्टी के दरवाजे पर लिखा दिखा ब्राह्मणों भारत छोड़ो। जेएनयू में दीवारों पर ब्राह्मणों के साथ बनिया समुदाय को भी धमकी दी गई, फ्री एलेक्सा और जय भीम के भी स्लोगन देखे। जेएनयू के नारों पर वीसी का बयान, का यूनिवर्सिटी सभी के लिए, ऐसे नारे बर्दाश्त नहीं होंगे, जांच के आदेश जारी। जेएनयू के नारे पर एबीवीपी ने लेफ्ट को घेरा, बताया उन्हीं की है ये करतूत। जेएनयू के नारे पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, टुकड़े टुकड़े गैंग के केंद्र बनता जा रहा है जेएनयू कैंपस। यहाँ ये कामयाब नहीं होने वाला है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवाए हिंद, ये दोनों का साठगांठ है। और जेएनयू के नारे पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, देश को तोड़ने वालों की ये साजिश है। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा लगते हैं, ऐसी मानसिकता को सख्ती से कुचल देना चाहिए। उदित राज ने नारे को भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा बताया, कहा जेएनयू कैंपस को बदनाम करने की साजिश है। शोधा मर्डर केस के आरोपी आफताब का पोस्ट नार्को इंटरव्यू, 37 मिनट तक नार्को टेस्ट के सवाल जवाब का मिलान। आफताब के जवाब से एक और नार्को पर फैसला, 2 घंटे के नार्को टेस्ट में आफताब ने मर्डर केस से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए।
नानकुट टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने एक बार फिर कबूला अपना जुर्म, बार बार कहा हां गुस्से में आकर मैंने ही किए श्रद्धा के कई टुकड़े। शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात भी कबूली आफ्ताब ने। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के दौरान शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने की बात भी मानी। वही नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन के बारे में कहा कहीं फेंक दिया याद नहीं। आफ्ताब बोला अकेले ही दिया वारदात को अंजाम। विश्व हिंदू परिषद ने आफ्ताब पूनावाला के गुनाह को लव जिहाद से जोड़ा, केंद्र से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। वीएचपी का दावा आफ्ताब पूनावाला की 20 गर्लफ्रेंड्स और ये सभी हिंदू थी। वीएचपी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाएगी धर्म रक्षा अभियान, लव जिहाद के खिलाफ लॉन्च करेगी कैंपेन। लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल ने भी कसी कमर, ब्लॉक स्तर पर शौर्य यात्रा निकालने की तैयारी। हिंदूवादी संगठनों ने टीपू पैलेस को 100 ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल करने का विरोध किया, एएसआई ने धरोहरों को रोशन करने के लिए तैयार की है सूची। वहीं महाठक सुकेश चंद्रशेखर मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से पूछताछ, ईडी कर रही है सवाल जवाब। मुंबई के ईडी दफ्तर में नोरा से सवाल जवाब, 200 करोड़ की वसूली केस में पूछताछ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले बिहार में जोरों पर है धर्म परिवर्तन, सख्त कानून की मांग की। बीजेपी सांसद की बिहार में धर्म परिवर्तन का जोर चल रहा है, चाहे ईसाई धर्म हो, और मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई जिला है जो इससे वंचित नहीं है। बीजेपी सांसद के गनमैन ने मां बेटे को गोली मार दी, 7 दिन बाद बेटे की भी मौत। छत्तीसगढ़ के मालगांव में खदान धंसने से कई लोग दब गए हैं, 4 शव निकाले जा चुके हैं अब तक। छुई खदान में राहत और बचाव का काम जारी है, 12 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की अब तक आशंका है। 2 बाइक्स में जबरदस्त टक्कर हो गई, 4 लोग जख्मी हो गए, 20 फीट से भी ज्यादा घिसटे बाइक सवार। उधर कोटा में कोचिंग छात्रा को मेडिकल स्टोर के सेल्समैन ने भेजा परेशान करने वाला मैसेज, पुलिस ने इसे पकड़ा। दिल्ली में लिविन में रहने वाली महिला की हत्या, पार्टनर फरार, तलाश कर रही है पुलिस। इसरो वैज्ञानिक लंबी नारायण को फंसाने के आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारियों के अग्रिम जमानत का आदेश रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। बीजापुर एनकाउंटर के 5 दिन बाद पुलिस का बड़ा खुलासा, 8 लाख का इनामी नक्सली नेता मोहन उर्फ संजय करती घायल है, इलाज नहीं करा रहे हैं नक्सली। सिंगर जुबिन नौटियाल सड़क हादसे में जख्मी हो गए, मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। रुपए के मुकाबले और महंगा हुआ डॉलर, 18 पैसे बढ़ा, 1 डॉलर की कीमत 81.08 रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गया के विष्णु पद मंदिर के दर्शन किए, परिवार के साथ किया पिंडदान। गणतंत्र दिवस पर पहली बार बीएसएफ की महिला ऊंट दल होगी शामिल, 20 महिलाओं के जत्थे को किया गया तैयार। G20 की मेजबानी भारत, लेकिन रोशनी से जगमग ऐतिहासिक इमारतें, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा स्मारक खिल उठे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इंस्पेक्टर के ट्रांसफर पर मना जश्न, निकला रोड शो। जमशेदपुर में रेल की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, 40 साल पुराना होटल ढाया गया। कश्मीर में रिकॉर्ड की संख्या में पहुंच रहे प्रवासी पक्षी, झीलों और जलाशय में जमावड़ा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर में महिला टीचर पर छात्रों ने किया तलवार से हमला, टीचर ने स्कूल में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगाई थी पाबंदी। राजस्थान के करौली में छात्र पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, शराब पीने से टोकने पर शराबियों ने इस पर हमला कर दिया था। जोधपुर में टैंकर और कार में टक्कर, कार में भीषण आग लग गई, ड्राइवर के जिंदा जलकर मौत। उधर राजस्थान के करौली में न्याय की तलाश में धरने पर बैठी शहीद की वीरांगना, कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा अनिश्चितकालीन धरना, पैकेज राशि हड़पने का आरोप है। महाराष्ट्र की अमरावती में रेत तस्कर ने पुलिस पर ट्रक चढ़ाकर मारने की कोशिश की, बाल बाल बचा पुलिस अधिकारी, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए। एमपी के रायसेन में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रचारी ने पढ़ाया संविधान का नया पाठ, कहा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की 1 लाइन भी नहीं लिखी, संगठनों ने आक्रोश जताया। उधम सिंह नगर में प्राइवेट बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, घटना में बस में बैठे एक यात्री की मौत, 6 से ज्यादा यात्री हो सकते। चंद्रपुर में टाइगर रिजर्व के बफर जोन में 2 बाघों की मौत हो गई, एक ही दिन 2 बाघों की मौत से हड़कंप है, अनुमान है कि दोनों आपस में भिड़ गए, इससे इनकी मौत हुई। जबकि कानपुर में युवती से रिक्शा चालक ने छेड़छाड़ की है, रिक्शा चालक को मिली तालिबानी सजा, खिड़की से बांधकर लोगों ने जमकर पीटा।
हरियाणा के यमुनानगर में प्लेसमेंट कंपनी में जॉब कर रही छात्रा ने आत्महत्या कर ली। दो महीने में दो छात्राओं ने कॉलेज की छत से लगाई छलांग, पुलिस ने जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शातिर अपराधी ने अपनी कार में अज्ञात युवक को जलाया जिंदा। कर्ज से बचने के लिए खुद को मृत दर्शाने के लिए दिया घटना को अंजाम। क्राइम पेट्रोल देखकर षड्यंत्र रचा। यूपी के मिर्जापुर में 50,000 का इनामी ठग पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार। 40,00,000 लूटकर हुआ था यह फरार। अलीगढ़ में 3 फर्जी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए। 100 से अधिक थानेदारों को ठगने का बनाया था इसने रिकॉर्ड। इंदौर में फिल्म ड्रीम गर्ल मूवी की तर्ज पर चल रहे कॉल सेंटर मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। हांगकांग से निकले ड्रीम गर्ल कॉल सेंटर का कनेक्शन ऐप से करते थे ये ठग। उधर झारखंड के लातेहार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। काफी मशक्कत के बाद साइबर ठगी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में किसान को ट्रैक्टर चालक को रुपए नहीं देना भारी पड़ गया। ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर चलाकर किसान की हत्या कर दी। गुस्साए परिजनों ने आरोपी का घर फूंक दिया, लूटपाट की। यूपी के उन्नाव में कूड़े में पड़ी दिखी सरकारी दवाई। कूड़े में पड़ी दवाई का वीडियो वायरल हुआ। आयरन की गोलियां, सीरप और अन्य सरकारी दवाई भी इसमें पड़ी थी। सोनीपत में शख्स की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब के नशे में मौत की शर्त में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रेमी ने शादी से एक दिन पहले प्रेमिका के साथ आत्महत्या कर ली। मृतक प्रेमी के परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर लगाया आरोप। वर्ल्ड कप फुटबॉल में सबसे बड़ा उलटफेर। 4 बार की चैंपियन जर्मनी बाहर। आखिरी ग्रुप मैच में कोस्टारिका के हराने से भी नहीं बना काम। जर्मनी ने कोस्टारिका के मैच के दौरान रचा इतिहास। पुरुषों के फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार मैदान पर दिखी सिर्फ महिला रेफरी। दुनिया के नंबर 2 टीम बेल्जियम भी फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आखिरी ग्रुप मैच में क्रोएशिया से मुकाबला ड्रॉ रहा। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया और मोरक्को की एंट्री। कनाडा और मोरक्को के बीच हुआ रोमांचक मुकाबला। मोरक्को ने 2-1 से दर्ज की जीत। रवो ने बतौर खिलाड़ी आईपीएल को कहा अलविदा। चेन्नई सुपर किंग्स का बनेंगे बॉलिंग कोच।